हेलो दोस्तों, तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर रावल। तो दोस्तों मैं अब नाहन में हूँ, तो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है रूम में जो लाइफ होती है हॉलीडे की नाहन में, जो जितना हम काम करते हैं उसका रहेगा और जहाँ भी जाएंगे आपको पूरा ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों हॉलीडे है तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट जो काम रहता है वो रहता है कपड़े धोना, क्योंकि 6 दिन जो कपड़े हम ले जाते हैं उनको धोना भी ज़रूरी है। तो आज का सबसे मेन काम ये रहेगा। तो अभी जो है मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कपड़े मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं। अब सूखेंगे या नहीं सूखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सुबह जब मौसम मैंने देखा तो सूरज लग रहा था और अभी दोस्तों एकदम सूरज जो है ढल चुका है। देख सकते हैं मौसम का हाल, अभी ऐसा लगता है जैसे बारिश हो जाएगी। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ आधा घंटे में मौसम ऐसा चेंज हुआ है। अभी तो सूरज लगा हुआ था, तो ऐसे में दोस्तों कपड़े को सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बरसात का मौसम है दोस्तों, ऐसे भी कपड़े कम से कम 2 दिन में तैयार होते हैं। दोस्तों अब एक काम कंप्लीट हो गया है और अब जो है नहा लेते हैं, उसके बाद जो है खाना खाएंगे। तो दोस्तों अब मैं नहा चुका हूं और एकदम तैयार हूं, तो अब टाइम भी काफ़ी हो गया है और अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो अब खाना खाते हैं। दोस्तों आप खाने में देख सकते हैं राजमा की दाल, और काफ़ी अच्छे कारीगर हमारे पास भाई लोग हैं, और अब चखते हैं इसका स्वाद। साथ में आप देख सकते हैं इधर बनी है रोटी, वैसे ज़्यादा कारीगरी तो है नहीं लेकिन अच्छी है जैसी भी है। तो जैसा मैंने बोला था दोस्तों कि बारिश का मौसम है, तो बारिश हो गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों बारिश हुई थी। देखिए दोस्तों अभी थोड़ी बारिश कम हुई तो मैं बाहर आ गया वीडियो बनाने, बहुत ज़्यादा बारिश दोस्तों इसके बाद मुझे जो है फॉर्म भराने जाना था साइबर कैफ। तो अभी थोड़ी बारिश है, जैसे ही बारिश रुकती है तो मैं वहाँ जाता हूँ और आपको भी मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों बने रहना अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों बारिश अभी थोड़ी कम हुई है तो मैं रूम से निकल चुका हूं और आगे मुझे फॉर्म भराना है उसकी। दोस्तों अभी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक आ गई है तो सोचा क्यों ना भरा दूं। ऐसे में दोस्तों आज छुट्टी भी है तो टाइम भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला 1 मिनट के बाद बारिश हो गई थी। दोस्तों किस्मत बहुत ही ख़राब है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश वापस हो गई दोस्तों। और अब मैं यहाँ पर बिना छतरी के आया तो साइड में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी समय लगेगा मेरा नंबर आने को, तो दोस्तों बैठना पड़ेगा। रूम भी नहीं जा सकता दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप जैसा देख पा रहे हैं सड़क पूरी भीग गई है। और दोस्तों पास में मेरे दोस्त का रूम है, उसको कॉल करता हूँ। दोस्तों साइबर कैब में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया और मैंने फॉर्म को भराया। और दोस्तों साथ में बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और थोड़ा भीग भी गया हूँ। तो यहाँ पर पास में ही मेरे दोस्त का रूम है और मैं अभी रूम में आया हूँ दोस्त के, उसको कॉल की थी कि मैं आपके रूम के पास हूँ। ऐसा कुछ दृश्य दोस्त के रूम से देखने को मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने है फाउंड्री, नाहन की जो फाउंड्री है दोस्तों बहुत ही पुरानी, यहाँ पर फैक्ट्री होती थी और रेल इंजन यहाँ पर बनाए जाते थे दोस्तों। अब ये बहुत ही पुराना हो गया है और काफ़ी समय इसको बंद हुए हो गया है दोस्तों। और अब यह सारी जगह जितनी भी दिखाई दे रही है सरकार के अंडर है। अब मेरा दोस्त आ गया है चाय लेकर, अब जो हम थोड़ी चाय पियेंगे
और साथ में लाए हमने रस। अब देखते हैं थोड़ा टेस्ट करके। तो दोस्तों बारिश हो गई है बंद, अब मुझे अपने रूम में जाना होगा और थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं और उसके बाद हम शाम को ग्राउंड में जाएंगे। और आजकल थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं और थोड़ी रेस लगा रहे हैं और तो आपको ज़रूर दिखाएंगे ग्राउंड का माहौल और वहाँ पर जो जितनी भी एक्टिविटी होती है आपको ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अभी चंबा ग्राउंड और वहाँ पर थोड़ी रेस लगाएंगे और मेरा साथ है मेरा छोटा भाई नीरज और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ एक्टिविटी अभी चली हुई है, तो आपको दोस्तों ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों बने रहना है अपने वीडियो के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने चंबा ग्राउंड और अभी हम इसके पास ही जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों हर प्रकार की गेम। दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा है और काफ़ी समय के बाद हमने ग्राउंड में थोड़ी दौड़ भाग की, थोड़ा फिटनेस के लिए सही रहता है दोस्तों। नहीं बहुत बिजी हो गए थे तो सोचा क्यों ना 10-15 या एक घंटा अपने शरीर के लिए दें। वैसे भी 24 घंटे में से एक घंटा या दो घंटा अपने शरीर के लिए देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 8, अभी हम जो है ग्राउंड से रूम के लिए जा रहे हैं। और ऐसा था दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। टाटा बाय बाय।